कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम न होने पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, नाराजगी का कोई कारण नहीं है। हो सकता है उन्हें कांग्रेस हिंदुओं के समर्थन की जरूरत न हो या किसी हिंदू धर्म गुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद होता है उन्हें उसमें कोई कमी नजर आ रही हो, ये पार्टी का निर्णय है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। ये नेता हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं। वे हिंदू धार्मिक गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि पार्टी में एक हिंदू धार्मिक गुरु हो। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एनआई से कहा, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कोई पहचान नहीं है। पूरे विपक्ष और इंडिया गठबंधन के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय कोई दूसरा नेता नहीं है। अगर कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाइए। अब आपको जो इन्होंने नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कांग्रेस में, प्रेसिडेंट इज नॉन गांधी नाउ एंड सब कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी भी अब काफी मजबूत हुई है वहां पे, तो ऐसे में आप गांधी फैमिली का और कांग्रेस का क्या मेल देखते हैं? गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और देश में इंडिया गठबंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है। फैसला तो कांग्रेस को करना है, पर यदि नरेंद्र मोदी जी को तगड़ी टक्कर देना चाहती है कांग्रेस तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाया जाए, वो बेहतर होगा।